بسم الله الرحمن الرحيم. Hello dear students, today we are going to read present indefinite tense. In previous lecture we have studied simple sentences. Its role and methodology. Today we are going to read negative sentences. How we can make the sentence? First of all, the method in which we translate a sentence into negative. From Urdu to English, subject and being verb, verb and last object. ये एक उसूल है जिसके मुताबिक आप subject, whose tense का है being verb, then form of verb and last pe object. Manfi fikr banane ke liye सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होता है. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि डू नॉट और डज नॉट. इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि डज किन सब्जेक्ट के साथ होगा, डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, उनके हेल्पिंग वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं, और डू नॉट जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट्स उनके साथ यूज होगा. अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम्स या इसे हम प्लूरल नाउन्स भी कहते हैं. Plural nouns उनके साथ इस्तेमाल होता है. Does not अगर subject he, she, it या singular name हो. Name or noun तो उसके साथ does not इस्तेमाल करेंगे. और अगर सब्जेक्ट हमारे पास आई, वी, दे, यू या सिंगुलर प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ डू नॉट इस्तेमाल करेंगे. ये बात क्लियर होगी. अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं. एक्सरसाइज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 9. फर्स्ट सेंटेंस है वो गुना पर पछताता है. इसमें आप जो हमने इसकी मेथडोलॉजी पढ़ी है उसके मुताबिक सब्जेक्ट आया हमारे पास वो पछताता है,
सोलर है और यहाँ पर वर्ब है, नहीं यहाँ पर नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है वो बुला है। तो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, ही डज नॉट रिपेंट ऑफ सिन। फर्स्ट देन सेकेंड है, हम आपको नहीं जानते हैं कि यह हमसे भी पता जाता है कि यह प्लूरल है, जमा का फिक्र है। वी इसका सब्जेक्ट होगा, जानना वर्ब होगा और नहीं जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा और यू जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। देन वी शुड ड्रॉ इट इन दिस वे, वी डू नॉट नॉट यू। इसके एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। The stars do not shine at daytime. ये था हमारा आज का लेक्चर। इस नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।